स्कूल लेक्चरर फिजिक्स का कोर्स हम डिस्कस कर रहे थे और स्टार्टिंग के दो चैप्टर हम कर चुके थे। थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा था वो था फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट। और फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट के दो लेक्चर हमने लिए थे जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि अगर कोई रिलेशन आपके पास में है तो उस रिलेशन को कैसे वेरीफाई करना है, उसके अंदर जो कॉन्स्टेंट है वो कॉन्स्टेंट कैसे आप कॉन्स्टेंट का डायमेंशन आप कैसे निकालोगे, ये हम ले रहे थे। नाउ कुछ क्वेश्चन हमने लिए थे, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं उसके बाद में हम अगली एप्लीकेशन पे जाते हैं। सो डायमेंशनल एनालिसिस की एक एप्लीकेशन हमने कर दिया, एक अनुप्रयोग हमने ले लिया है, नेक्स्ट एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास में क्या है, टू डिराइव अ रिलेशन, टू डिराइव अ रिलेशन फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी to derive a relation for a physical quantity that depends on other physical quantities. To derive a physical quantity That depends on other physical quantities. तो आपको किसी physical quantity का या किसी भौतिक राशि का क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, विमा निकालनी है। और वो जो आपकी physical quantity है या वो जो भौतिक राशि है वो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। It depends on other physical quantities. जैसे मैं example लूं, example मेरा क्या है, example हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अब काइनेटिक एनर्जी या जो गतिज ऊर्जा है वो आपके मास या द्रव्यमान पर निर्भर करती है, साथ में ये जो गतिज ऊर्जा है ये वेलोसिटी या वेग पर भी निर्भर करती है। सो आपको रिलेशन निकालना है काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का हमको क्या निकालना, संबंध निकालना है किसमें, डायमेंशनल एनालिसिस से या विमीय मेथड से। और ये जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है ये मास एंड वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करती है। तो वो कैसे निकालोगे वो हम लेते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी को मैं के मान लेता हूं। अब यहां पर ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये एम पर डिपेंड कर रही है, वी पर डिपेंड कर रही है। अब एम की कितनी पावर है ये पता नहीं है, V की कितनी पावर है ये पता नहीं है, मतलब M के कितने घात होंगे, V के कितने घात होंगे ये भी क्लियर नहीं है। ये क्लियर है कि ये जो गतिज ऊर्जा है या ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है ये मास एंड वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करती है। तो हम क्या मानते हैं, सपोज M की पावर A है, V की पावर B है। अब आपको A एंड B की वैल्यू निकालनी है, जैसे आपके A और B की वैल्यू आ जाती है हम यहां पर रखेंगे और हमको रिलेशन मिल जाएगा। अब यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, समानुपाती नियतांक है, पर समानुपाती चिन्ह है। जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो या समानुपाती चिन्ह को हटाते हो तो हमको इक्वल टू मिलता है। तो मैं यहां पर इक्वल लगा देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू, ये मैंने कॉन्स्टेंट लगा दिया, एम की पावर ए, वी की पावर बी। अब ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टेंट एक वैल्यू है, इसकी कोई भी डायमेंशन, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, इसका कोई भी विमा नहीं होती है। नाउ ये आपका क्या है, ये क्या आपका काइनेटिक एनर्जी है। तो अब दोनों साइड में आपको क्या करना है, डायमेंशनल वे में लिख लेना है। तो गतिज ऊर्जा का डायमेंशन हमको पता है, एम हमारा द्रव्यमान है उसका डायमेंशन पता है, वी वेलोसिटी इसका डायमेंशन पता है, पर रिलेशन क्या है ये पता नहीं है। तो पहले आप लेफ्ट में क्या करोगे, गतिज ऊर्जा का डायमेंशन लिख दो या ऊर्जा का डायमेंशन लिख दो।
सो एनर्जी का डायमेंशन क्या है? एनर्जी का डायमेंशन होता है M1 L2 T-2। ये हमारा एनर्जी का डायमेंशन हो गया M1 L2 T-2। K कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये केवल वैल्यू है। M हमारा द्रव्यमान है, मास है, तो डायमेंशन M ऊपर A, V है वेलोसिटी, डायमेंशन L T-1, ये हमारा B। अब आप क्या करोगे, पहले एक साथ में लिख दो, तो ये हो गया हमारा MA L B T-B, ये हो गया। अब आपको कंपेयर करना है, समान घातों की तुलना करनी है, सेम जो आपके वेरिएबल है उनकी जो पावर है उसको आपको इक्वेट करना है। तो M की पावर को इक्वेट करोगे, L की पावर को इक्वेट करोगे, T की पावर को इक्वेट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, पहले मैं M की पावर इक्वल करूं तो A इक्वल टू 1 हो गया। अब मैं B की L की पावर लेता हूं तो B क्या हो गया, 2 हो गया। आपको A और B निकालना है, ये जो आपके A और B आ गए हैं ये क्या करोगे, आप इस इक्वेशन में रख दोगे, ये कोई भी कॉन्स्टेंट है, एक्सपेरिमेंट से इसकी जो वैल्यू आएगी वही हम यहां पर लिखेंगे। तो K क्या हो गया, M पावर A जो तो 1 हो गया, V की पावर है आपके B जो कि आपका 2 है, और एक्सपेरिमेंटली ये जो आपका कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आती है आपकी हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, K इज इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर, जो हमको पता है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ एमवी स्क्वायर। तो इस टाइप से हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके रिलेशन निकाल सकते हैं। इसको देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मींस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या कंपन आवृत्ति इन अ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन टेंशन लेंथ एंड मास डेंसिटी, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति हमने न्यू मान ली है, तो आवृत्ति की आपकी किस पे डिपेंड कर रही है, ये कंपन की आवृत्ति किस पर डिपेंड कर रही है, किसी डोरी में कंपन की आवृत्ति डिपेंड्स ऑन टेंशन, तनाव पर निर्भर करती है, इट डिपेंड्स ऑन टेंशन, टी का मतलब यहां पर टेंशन है, तनाव है, देन लेंथ लंबाई, ये लंबाई, एंड मास डेंसिटी, मास डेंसिटी पहले मैं डी लिख देता हूं, इन पर डिपेंड कर रही है, किस पावर में डिपेंड कर रही है ये हमको पता नहीं है। तो जो आपका न्यू है वो आपका टेंशन पर डिपेंड कर रहा है, तनाव पर डिपेंड कर रहा है, उसकी पावर हमने टी ले ली, लेंथ या लंबाई पर डिपेंड कर रहा है उसकी पावर हमने बी ले ली, और साथ में मास डेंसिटी या द्रव्यमान घनत्व पर, घनत्व पर निर्भर करता है, उसको हमने सी ले लिया। अब ये ध्यान रखना है न्यू हमारी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, ये पहले लिख देता हूं मैं, न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कि हमारा टेंशन है, तनाव है, और तनाव किसको बोलते हैं, टेंशन हमारा एक्चुअल में क्या है, फोर्स ही है, बल, बल है, तो एक प्रकार का बल है जो कि हमारा टेंशन, हम जिसको बोल रहे हैं, किसको, टी रहने देता हूं, एल भी अपनी जगह पर है, और डी हमारा मास डेंसिटी या द्रव्यमान घनत्व, और द्रव्यमान घनत्व क्या होता है, एम अपॉन एल, प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान को हम द्रव्यमान घनत्व कहते हैं, तो हमारा सी। नाउ इसको हम क्या लिख देंगे, इक्वल टू और कांस्टेंट लगा देंगे, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी वो हमको एक्सपेरिमेंट से पता पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, न्यू हमारी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी की का डायमेंशन टी माइनस वन, के कॉन्स्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होगा, T
ठीक है, टी हमारा टेंशन है, तनाव है, जो कि हमारा फोर्स होता है, और फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, पावर इसकी ए, एल लेंथ है, पावर बी, और एम अपॉन एल ये क्या हो गया, एम वन एल माइनस वन पावर सी, ये आ गया। अब एम के साथ एम, एल के साथ एल और टी के साथ टी कर दो, टी हो जाएगा एम की पावर ए प्लस सी, ये आ गया। एम की पावर ले हो गया ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, एंड टी की पावर क्या हो गया माइनस टू ए, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, एम की पावर को कंपेयर करो, एल की पावर को कंपेयर करो और टी की पावर को कंपेयर करो। तो यहां पर एम और एल नहीं है, और अगर एम और एल नहीं है इसका मतलब इनकी पावर क्या है, जीरो। तो यहां पर एम की पावर जीरो और यहां पर एम की पावर ए प्लस सी, ये क्या होगा a प्लस सी इक्वल टू जीरो। फिर l की पावर लेते हैं तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, और अगर आप t की पावर लोगे तो माइनस टू ए इक्वल टू माइनस वन। तो यहां से क्या आ गया, a तो हमारा क्या हो गया हाफ, क्लियर है। अब ये जो आपका a आया है, इस a को मैं यहां पर रखता हूं, तो c एक्चुअल में क्या है माइनस a, और a की जगह आपने जैसे ही हाफ रखा तो c हमारा क्या हो गया, माइनस हाफ, तो ए आ गया, सी आ गया। अब हमको बी निकालना है, तो बी के लिए हम क्या करते हैं, बी के लिए हम ये वाला रिलेशन लें, तो यहां से बी क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा हमारा सी माइनस ए, क्लियर है। अब सी की वैल्यू आपको पता है, ए की भी पता है, तो सी की जगह तो आ गया माइनस हाफ, एंड ए की जगह आ गया हाफ, तो c की पावर क्या हो गया, सॉरी c की वैल्यू क्या हो गई माइनस वन। तो आपका a है हाफ, c है माइनस हाफ और b क्या है माइनस वन। अब ये जो आपके a b एंड c की वैल्यू आई है, उन a b c की वैल्यू को आप कहां रखोगे, इस रिलेशन में, और एक्सपेरिमेंट से जो भी k की वैल्यू आएगी अगर आपको पता है तो यहां पर लिख देना, नहीं पता तो छोड़ो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये वैल्यू चेक करनी है कि ए बी सी की जो भी वैल्यू है आपने यहां पर रखी, फिर आप ऑप्शन में चेक करोगे कि किसमें आपके ए बी सी की वैल्यू हमारी ये है, और उसके साथ में जो भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो आपका सही आंसर माना जाएगा। तो यहां पर हम चलते हैं, तो न्यू क्या हो गया, न्यू इज इक्वल टू के टी ए की पावर है हाफ, तो टी पावर हाफ, फिर हमारा एल, L की पावर क्या है, L की पावर था B, और B क्या है हमारा माइनस वन, ये माइनस वन, एंड ये हमारा डेंसिटी, डेंसिटी D, और D की पावर क्या है C, और C की पावर हम C की वैल्यू माइनस हाफ, ये हो गया वन अपॉन L रूट T बाई डी। यहां पर इसने डेंसिटी को लैम्बडा लिया है, तो मास डेंसिटी आप चाहो तो आप भी इसको लैम्डा लिख देना, तो न्यू आ गया k अपॉन l, यहां पर k साथ में था, रूट ऑफ t बाई लैम्डा। अब जब एक्सपेरिमेंट से चेक किया गया, जब प्रयोग किया गया तो k का मान आया, और k का मान हमारे पास में हाफ, तो एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू आपके हाफ है, तो न्यू क्या हो गया वन अपॉन टू एल रूट ऑफ टी बाई लैम्डा, तो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, क्लियर है, इसको अपलोड कर लो। सो यहां पर हम आज का हमारा लेक्चर एंड करते हैं, तो हम स्कूल लेक्चर और फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी टाइप से हम टाइम टाइम पर आपके सामने नए नए लेक्चर लेकर आते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये जो सारे कंटेंट है किसके, स्कूल लेक्चर और फिजिक्स के, वो सारे हमारे ऐप पर अवेलेबल है, तो आप ऐप को विजिट जरूर कीजिएगा, और हो सके तो इस कोर्स को परचेस कीजिएगा। हमारा जो ऐप है वो क्या है, ऐप हमारा सरस्वत एकेडमी के नाम से है, तो ये हमारा प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, आप इसको ऐप को विजिट कीजिएगा। इसके अलावा भी उसमें सारे कोर्स अवेलेबल है, कई कोर्स अवेलेबल है, और हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की है, तो क्लास टेंथ की, क्लास ट्वेल्थ की, इसी टाइप से हम नेट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं,
तो ये सारी टेस्ट सीरीज भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो बहुत जल्दी आपके सामने ये जो हमारे स्कूल लेक्चर ऑन फिजिक्स है इसकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी। तो आप इस ऐप को जरूर विजिट कीजिएगा और इस लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।